सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुण गुण लिखान जाऊं। ऐसे ही गुण स्वरूप कबीरदास जी को याद करते हुए आज हम APS रायवाला परिवार की ओर से उनकी जयंती के सुअवसर पर कबीरदास जी को याद करते हुए उनके विचारों को, उनके भाव को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीरदास एक नाम न होकर, एक व्यक्ति न होकर एक विचार है, जिस विचार ने इस समाज में परिवर्तन किया था, इस समाज में बदलाव किया था। और हम भी ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि ये समाज उनके ज्ञान मार्गी पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। APS रायवाला परिवार सदैव से ही बच्चों की शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान से इतर अन्य ज्ञान को भी सम्मिलित करता हुआ आया है। अतः पुस्तकीय दोहों के अतिरिक्त कबीरदास जी की अन्य साखियों को विद्यार्थियों ने पूर्ण मनोयोग से तैयार कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी कहते हैं, जो इंसान दूसरों की दुख और पीड़ा को समझता है वही सज्जन पुरुष होता है, परंतु जो दूसरों की दुख और पीड़ा को ना समझ सके, ऐसे इंसान के होने का क्या फायदा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात एक मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीरा औरन को सुख होई। इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हम अपने मन के अहंकार को त्याग देते हैं, केवल तभी हम मीठी वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। इस मीठी वाणी का प्रयोग करने से हमारे मन को शांति मिलती है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद। दिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरी साई तुझ में ही है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, उसी प्रकार हमारे ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान होते हैं। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, परंतु उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। नमस्कार, मैं हरीश मोवाल, पीजीटी हिंदी। हिंदी साहित्य के महान संत कवि कबीरदास जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष कबीरदास जी की 645वीं जयंती को संपूर्ण भारतवर्ष सहित विश्व भर में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के साथ साथ भारतीय मनीषी परम्परा के प्रथम विद्रोही संत कवि हैं। इन्होंने जब समाज में चारों ओर धार्मिक पाखंड, जात पात, छुआछूत, अंधश्रद्धा से भरे कर्मकांड, मौलवी मुल्ला तथा पंडित पुरोहितों का ढोंग और सांप्रदायिक उन्माद चरम सीमा पर था, आम जनता धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित थी, तब कबीरदास जी ने समाज को अपने ज्ञान के माध्यम से दिशा प्रदान की। कबीर दोहावली में कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में
ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में, भोजी होए तुरते मिले पल भर की तलाश में। पर ऋषि का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीरदास जी का पालन पोषण एक सुलाह परिवार में हुआ। कबीरदास जी ने कभी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, जो देखा जो सुना वही लिखा। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वह हमें जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। कबीरदास जी ने सिद्धांतों पर नहीं प्रयोग पर अधिक बल दिया। हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का स्थान सर्वोच्च है। कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य के ज्ञान मार्गीय शाखा का तथा निराकार ब्रह्म के उपासक बने और उन्होंने ईश्वर को इसी रूप में पूजा। तत्कालीन समाज में जितनी बुराइयां थीं, कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं का विषय उन्हीं बुराइयों को बनाया। कबीरदास जी के कुछ प्रमुख दोहे जो आपको स्मरण है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। पौथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडिते भया न कोई। पौथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडिते भया न कोई। एक अक्षर पीव का पड़े सुपंडे। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़े, ऋतु आए फल होए। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी हमें कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। जिस प्रकार माली अगर किसी पेड़ को 100 घड़ों से भी सींच ले, पर जब तक ऋतु नहीं आती तब तक उस पेड़ में फल नहीं उगेंगे। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से कबीर जयंती के हार्दिक ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुहाए, सार सार को गही रहे थोदा देव पर। भावक कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष में सूप जैसे गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। धन्यवाद। कबीरदास ने अपने दोहों, विचारों और जीवन वृत्त से मध्यकालीन समाज के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया था। कबीरदास ने तत्कालीन समाज के अंधविश्वास, रूढ़िवाद और पाखंड का घोर विरोध किया। उन्होंने उस काल में भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों और समाज को मेलजोल की राह दिखाई। हिंदू, इस्लाम सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। कबीर कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। हम सभी आज कबीर का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि हम उनके बताए हुए ज्ञान मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।